हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मोबाइल इंजीनियर और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ सैमसंग का ही वीडियो लाता हूँ और बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लेके आता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज दिखाऊँगा कि सैमसंग J2 मॉडल में अगर आपका नेटवर्क काम नहीं करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे J2 ऐसे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कहाँ से कहाँ काम करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले कहाँ काम करना है, दूसरी बार कहाँ काम करना है, तीसरी बार कहाँ काम करना है। तो अच्छे से ध्यान से देखिए, मैं रिपेयर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। आपको पहले हैंडसेट को खोलना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि इस लेग में क्वांटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो लेग आपको मिलेगा, क्वांटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी आ गया तो कोई बात नहीं, आपको पहले इसको रिप्लेस करी, दूसरा कोई अगर हैंडसेट है आपके पास तो उस पर से निकल कर इधर लगा कर रिप्लेस कीजिए। फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस तरफ नापिए कि वो सही से रहा है। आपको क्वांटिटी दिखाएगा कि इस तरफ से इस तरफ चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आएगा, ये इससे प्रॉब्लम आता है। अगर इस तरफ सब कुछ सही है तो आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा। आप पहले ही नेटवर्क आईसी को चेंज मत कीजिए, नेटवर्क आईसी को चेंज करने से आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। आपको नेटवर्क फिल्टर दिखाई देगा, इस आईसी को आपको चेंज करना है। देखिए नेटवर्क आईसी है, नेटवर्क आईसी के पास में जो आईसी है इसको आपको चेंज करना है। इसको चेंज करने से तो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आपको इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा। नेटवर्क में जितना भी वोल्टेज चाहिए इस आईसी इन सबको वोल्टेज देता है, इसको चेंज कीजिए। अगर इसको चेंज करने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर आप जाकर नेटवर्क आईसी को चेंज कीजिए। पहले ही आप नेटवर्क आईसी को हाथ मत लगाइए, मैं फिर से बता रहा हूँ। अच्छी से ध्यान से देखिए, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, आप आसानी से काम कर पाएंगे। पहले आपको इस एंटेना को रिसोल्व ठीक तरह से चेक करके देखना पड़ेगा क्वांटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर चेंज करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, इस आईसी में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है। आपको पहले इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे हैंडसेट से निकाल कर लगाना पड़ेगा। फिर भी नहीं हुआ तो नेटवर्क आईसी के पास में है नेटवर्क फिल्टर, इसको रिप्लेस कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो इसको रिप्लेस कीजिए। इसको रिप्लेस करने के बाद भी नहीं हुआ तो इसको आपको नेटवर्क आईसी को रिप्लेस करना, नेटवर्क आईसी तो ज़्यादातर रिप्लेस करना नहीं पड़ता है। इसको रिप्लेस करने से आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा नेटवर्क का। ध्यान से, इस आईसी में ज़्यादा हीटिंग लेने का क्षमता नहीं है, अच्छे से निकाल के लगाए। ज़्यादा हीटिंग करेंगे तो आपका आईसी ख़राब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और ये नेटवर्क आईसी के साथ साथ मैं और एक प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। आपका ब्लूटूथ और वाईफाई अगर काम नहीं करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये रहा आपका ब्लूटूथ एंड वाईफाई आईसी। अगर आपका ब्लूटूथ वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको इस आईसी को अच्छे से रिसोल्डर करना पड़ेगा। आईसी के ऊपर मत हीट कीजिए, आईसी के चारों तरफ जो रजिस्टर कैपेसिटर है इनको रिसोल्डर हीटिंग कर दीजिए, जैसे कि ये थोड़ा सा पिघल जाए, ठीक है। अगर फिर भी आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो आप इस क्रिस्टल को रिप्लेस कीजिए, कोई और हैंडसेट से निकल कर लगा दीजिए। अगर आपके पास हैंडसेट है तो ही इस पार्ट्स को निकालिए, नहीं तो निकालने के बाद ज़्यादा दिन तक इसको रखना मत, निकल कर अच्छे से लगा दीजिए। फिर भी आपका वाईफाई ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है तो फिर इस आईसी को रिप्लेस कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% में 100% प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।